वन प्लस सेवन प्रो का लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है, इसका नेक्स्ट पोर्ट आ चुका है हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के लिए, जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ और इसकी स्मूथनेस परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की लगी है। तो इस वीडियो में हम इसी के डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है पहले वाले बिल्ड के मुकाबले, और साथ ही साथ क्या आपको इसे डेली लाइफ में यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइज, आई एम एमके, यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास है। तो अगर आप इस रूम को रूट करते हो जो कि बाय डिफॉल्ट रूटेड नहीं रहता है, तो आपको नेट सेफ्टी का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको एक पैच यूज करना है जो कि सेफ्टी पैच है, जिसके थ्रू आप अपने नेट सेफ्टी को पास कर पाओगे और बैंकिंग के ऐप है जो यहाँ पे इजीली यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पर इसके गैलरी की बात करें तो गाइस गैलरी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाता है। वहीं पर कॉन्टैक्ट और जो कॉल व्यूइंग वगैरह डिटेल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किए गए, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर। वहीं पर अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा खासा हो गया, मैंने गेमिंग वगैरह भी किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिला है, और पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ऐप ओपनिंग का रिस्पांस मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है, बस टाइप करना है हमारा है जो ऐप रिस्पांस कर देता है यानी ओपन हो जाता है। यहाँ पे कैमरा आपका जो फुल्ली वर्क है, इनमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आया है कैमरा से रिगार्डिंग। साथ ही साथ आप जीकेम सूटेबल यूज कर सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि कौन सा जीकेम आपके लिए परफेक्ट वर्क रहेगा। यहाँ पे आपको एक और ऐप मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट है, बस इसको आपको रूट की परमिशन देनी है और आप अपने मर्जी के साथ इसे साइलेंट डीएनडी और बाकी म्यूट वगैरह है जो कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप फ़ोन को साइलेंट करना चाहते हो। तो साउंड रिकॉर्ड वगैरह आपको परफेक्ट वर्किंग मिलता है, कोई भी इशूज नहीं मिलता है। ये जो रोम है पोर्ट किया गया है वन प्लस के 7 प्रो के डिवाइस के अंदर से, जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है, और लेटेस्ट यहाँ पे 1 फरवरी का आपको जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बिल्ड का जो एडिशन है वो भी नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जब भी आप इसे डाउनलोड करने वाले हो तो इस नेम को ही आपको मैच करना होगा डाउनलोडिंग लिंक के साथ, अदरवाइज आप ओल्ड बिल्ड डाउनलोड कर लोगे। तो मैच डाउनलोडिंग के टाइम आपको नेम ध्यान से देख के डाउनलोड करना होगा। ओके, यहाँ पे रेड का X3.7 कर्नेल यूज किया गया है, जो कि बैटरी डिटेल्स और साथ साथ परफॉर्मेंस गेमिंग की काफ़ी अच्छी है जो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो OP7 का बिल्ड है जो कि बीटा 10 का है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड का नेम भी दिया गया है और डेवलपर का नेम भी। वहीं पर हम सिस्टम की बात करें तो ये सारे जो फीचर्स है फुल्ली फंक्शनल है, काम करते हैं, कोई भी इशू नहीं मिलता है। लेटेस्ट वर्क प्लेस बैलेंस भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हाल ही फिलहाल में वन प्लस के डिवाइस को OTA के अपडेट के थ्रू ये पुश किया गया था, जो कि हमें इस पोर्ट रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिस्पांस की बात करें तो मुझे फिंगरप्रिंट का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं कहूँगा भाई फिंगरप्रिंट का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन हाँ हाथ पे स्वेट वगैरह रहता है तो दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे आपको फिंगरप्रिंट का रिस्पांस काफ़ी बेटर और कमाल का मिलता है। वहीं पर अगर यहाँ पर बाकी अदर चीज़ों की बात करें जैसे कि हमारा सिक्योरिटी वगैरह रिकॉर्डिंग है, तो फेस अनलॉकिंग भी हमारा जो परफेक्ट वर्क कर जाता है, तो फेस अनलॉक काफ़ी कमाल का जो रिस्पांस देता है, बस आपको पावर बटन प्रेस करना है और आपका जो फेस अनलॉक हो जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही और एक्यूरेट लगा है। वहीं पे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं ट्रिपल फिंगर या डबल टैप वगैरह, ये आपको वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी कमी है वो है साउंड मोड से रिलेटेड, वो इसका डॉल्बी साउंड का। तो अभी तक डॉल्बी का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे डॉल्बी के साथ साथ आपको वाईफाई डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो कि कुछ कुछ यूजर्स को वर्किंग मिलता है तो कुछ को बगी मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे SD कार्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा था अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है। तो अगर आप SD कार्ड वगैरह यूज करते हो तो आपको जो SD कार्ड में जो स्टोरेज वगैरह है मीडिया वो आपको गैलरी वगैरह में शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे SD कार्ड का प्रॉब्लम अभी तक अवेलेबल है। साथ ही साथ SD कार्ड को आप मर्ज नहीं कर सकते एज अ इंटरनल स्टोरेज, तो ये भी वर्क अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन जब भी हम किसी भी रोम को फ्लैश करते हैं ऑक्सीजन गैस स्पेशली, तो हमें फोर्स बूट करना पड़ता था उसे ऑन करने के लिए, ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। आप सिंपली रोम को फ्लैश करके इजीली जो नॉर्मली बूट करा सकते हो, फोर्स बूट करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे वन प्लस 7 से पोर्ट है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे जो ये लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है और बाकी सारे फीचर्स जो कि परफेक्टली और स्मूथ काम करते हैं, इनमें कोई भी इशूज मुझे देखने को नहीं मिला। वहीं पर हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो आपको जो लाइव डिस्प्ले वगैरह जो देखने को मिल जाते हैं, स्लीपिंग मोड, रीडिंग मोड, ये बिल्कुल ही वर्किंग है। यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले परफेक्ट काम करता है, तो मुझे कोई भी इशूज यहाँ पे नहीं देखने को मिला है।
साथ ही साथ पहले हमें डबल टैप का प्रॉब्लम आता था, थोड़ा सा डिले वगैरह रहता था, बट आपका जो डबल टैप है ये काफ़ी ज़्यादा जो बूस्ट कर दिया गया है, तो काफ़ी क्विकली जो इनहेंस काम करता है, बस टैप करना है और आपका जो अनलॉक हो जाएगा, और अगर आपने फेस अनलॉक सेट कर रखा है तो बहुत सारी छोटी मोटी जो इंप्रूवमेंट की गई है जो कि आपको इसके रोम को यूज करने पर काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा साथ देने वाला है, और स्मूथनेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे लाजवाब देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम गेमिंग की बात करें यानी अनटूटू के स्कोर की कि क्या मिलता है, यहाँ पर जैसा कि हर रोम हमें प्रोवाइड करता है तो सेम स्कोर हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है जो कि 148423 का है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी कमाल का है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पबजी वगैरह भी प्ले किया है तो पबजी मुझे काफ़ी अच्छा खासा ग्राफिक्स देखने को मिला है। तो अभी भी पबजी मेरा ऑन ही है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में रन कर रहा था। तो अगर मैं इसके सेटिंग्स पे आता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे पबजी पे आपको जो फ्रेम रेट है हाई देखने को मिलता है और ग्राफिक्स आपको HD का देखने को मिलता है, जबकि MIUI पे हमें एक स्टेप पीछे ही देखने को मिल जाता है। तो आपको काफ़ी कमाल का है जो यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाता है पबजी के टाइम पे, जो कि बिल्कुल ही मक्खन की तरह जो काम करता है। तो आपको काफ़ी अच्छी खासी बैटरी का भी देखने को मिल जाता है, सारे लेटेस्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, सिवाय यहाँ पे 3-4 बग देखने को मिलता है। फर्स्ट जियो का वीडियो कॉल, सेकेंड आपका वाईफाई कॉल, वाईफाई डिस्प्ले, थर्ड आपका जो मेमोरी कार्ड एज इंटरनल स्टोरेज काम नहीं करेगा और उसके मीडिया शो नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हो गई और काफी कमाल के डिटेल्स दिखाई दे। यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी बैकअप भी मैंने चेक किया है तो आप देख सकते हो 99% पे मैंने लेफ्ट किया था इसे यूज करना, जिसमें से 48 पहले जो डिस्कनेक्ट किया गया था 12 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइमिंग था। जब मैं इसे मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो कंप्लीट 11 आवर्स कंप्लीट हो गया है और स्क्रीन ऑन टाइमिंग सेम टू सेम 12 मिनट का ही है और बैटरी परसेंटेज ओनली 97% गया है। तो यहाँ पे 2% के बैटरी रेंज देखने को मिली है 4G के नेटवर्क पे, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो कि 11 आवर्स में ओनली 2%। तो मैं कहूँगा भाई यहाँ पे बैटरी का काफ़ी कमाल का और लाजवाब देखने को मिल जाता है। रही बात फ्लैशिंग मेथड की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से फ्लैश करना है, तो हर वीडियो में मैंने बताया था, तो सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, बस प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि आपको फोर्स बूट नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर चेन लॉक में जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको सब कुछ जो बता दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे फोर्स बूट को उसका सिस्टम और रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किए गए हैं, यहाँ पे इन्हेंस किए गए कॉन्टैक्ट डिटेल को, डबल टैप को, बग में वाईफाई डिस्प्ले, SD कार्ड और डॉल्बी वगैरह आपको देखने को मिलता है। वार्निंग यहाँ पे दी गई है कि जो यहाँ पे PLING का जो लिंक दिया गया है उससे अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको बीच में स्टॉप या बाकी रिज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज फाइल आपकी करप्ट हो जाएगी, तो आपको वन टाइम में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हाई होप सो गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इस रोम को यूज कर रहे हो तो आप मुझे बताना कि आपको बैटरी बैकअप कैसे मिला है। अगर मैं एवरीडे इसे यूज करता हूँ करेंटली तो फुल बैटरी डिटेल अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।